राशिद मलिक रामिश का उर्दू अदब की दुनिया से एक पुराना ताल्लुक है और राशिद मलिक के लिए ये बाईस आजाज है, इन्हें अबैदुल्ला अलीम की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ और हमारे साथ इनका ताल्लुक उस वक्त से ही है। राशिद मलिक ने और हमने एक फ्रांस का सफर किया और वहाँ पे हमने मुशायरा पढ़ा, उसके बाद हमबर्ग का हमने मिलकर सफ़र किया और वहाँ पे भी हमने मुशायरा पढ़ा। इस तरह राशिद मलिक के साथ हमारा और अदब का एक अदबी पुराना है। राशिद मलिक की शायरी जब मैं देखता हूँ तो इंसान को यूं सियासत में है घेरा, जीता भी नहीं है तो ये मरता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करता कोई वादा हो हमसे, ऐसा भी नहीं करता कोई अहद वो हमसे, लेकिन कभी वादे से मुकरता भी नहीं। क्या बात, क्या ऐसा भी नहीं करता कोई अहद वो हमसे, लेकिन कभी वादे से मुकरता नहीं है। और मकसद किया है कि दरिया में उतरता है कभी आग में रामिश, दरिया में उतरता है कभी आग में रामिश, ये इश्क किसी चीज से डरता नहीं है। दरिया में उतरता है कभी आग में रामिश, ये इश्क किसी चीज से डरता भी नहीं है, आंखों में कोई अश्क उतरता भी नहीं है, टूटा हुआ ये जिस्म बिखरता भी नहीं है। कितनी खाना खराब होती हैं वो जो आंखें शराब होती हैं, कितनी खाना खराब होती हैं वो जो आंखें शराब होती हैं, इब्तदाई शबाब में अक्सर लर्जिशें बेहिसाब होती हैं। और शेर देखें कि मेरी धड़कन सवाल बनती है, उसकी सांसें जवाब, मेरी धड़कन सवाल बनती है उसकी सांसें जवाब होती हैं, जिनका मिलना मुहाल है रमेश उनकी यादें याद आसरा भी ना हो कि उसकी लौहे मुकद्दर में कुछ लिखा भी ना हो, नजर पड़े तेरे चेहरे पे तो मैं सोचता हूँ, नजर पड़े तेरे चेहरे पे तो मैं सोचता हूँ, कोई हसीन ना हो तुझसा बेवफा भी ना हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नजर पड़े तेरे चेहरे पे तो मैं सोचता हूँ, कोई हसीन ना हो तुझसा बेवफा भी ना हो। और शेर देखें कि शाह साहब खास तौर पर, मैं ऐसे वक्त से रब की पनाह मांगता हूँ, मैं ऐसे वक्त से रब की पनाह मांगता हूँ, सफर हो धूप का और हम सफर दुआ भी ना हो। मैं ऐसे वक्त से रब की पनाह मांगता हूँ, सफर हो धूप का और हम सफर दुआ भी ना हो। अमीरे शहर यही चाहता है इसके खिलाफ, अमीरे शहर यही चाहता है इसके खिलाफ, ना सोचता हो कोई बोलता भी, कोई बोलता नहीं हो। अमीरे शहर यही चाहता है इसके खिलाफ, ना सोचता हो कोई बोलता भी ना हो। और मकता किया है कि कोई तरीका बताओ मुझे दिले जदगां, कोई तरीका बताओ मुझे दिले जदगां, कि बंदा इश्क करे और मुब्तला भी ना हो। बहुत शुक्रिया।
कोई तरीका बताओ मुझे ये दिले जदगान कि बंदा इश्क करे और मुबला भी ना हो, मेरे खुदा कोई इतना बेआसरा भी ना हो। वाह बहुत काफी गजल का चंद शेर के, जब तू मेरी आंख से ओझल हो जाता है, सच कहता हूँ जीना मुश्किल हो जाता है। शाम पे कोई तन्हा पंछी देखता हूँ तो जाने क्यों मन पगला बोझल हो जाता। शाम पे कोई तन्हा पंछी देखता हूँ तो जाने क्यों मन पगला बोझल हो जाता है। और अंजन भाई के, जब गुलशन से माली का दिल उठ जाए तो, जब गुलशन से माली का दिल उठ जाए तो रफ्ता रफ्ता वो फिर जंगल हो जाए। जब गुलशन से माली का दिल उठ जाए तो रफ्ता रफ्ता वो फिर जंगल हो जाए। गर तालाब से किन्ने पानी ले जाए तो, घर तालाब से किन्ने पानी ले जाए तो फिर वो हिजर का मारा बादल हो जाता। फिर वो हिजर का मारा बादल हो जाता है। घर तालाब से किन्ने पानी ले जाए तो फिर वो हिजर का मारा बादल हो जाता है। दिल में पड़ने वाली गिरहें खुल जाएं तो, दिल में पड़ने वाली गिरहें खुल जाएं तो हर एक उलझे किस्से का हल हो जाता है। दिल में पड़ने वाली गिरहें खुल जाएं तो हर एक उलझे किस्से का हल हो जाता है। और मक्तार्ज किया है कि इश्क की आग में जलने वाला हर दिल रामेश, इश्क की आग में जलने वाला हर दिल रामेश, चाहने वाली आंख का काजल हो जाता। क्या बात है, जब तू मेरी आंख से ओझल हो जाता है, सच कहता हूँ जीना मुश्किल हो जाता है।